हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ओजोन किचन में आप सबका। तो आज क्या लाई हूँ मैं आप सबके लिए, थोड़ा सा हॉट, थोड़ा सा टेस्टी, थोड़ी सी स्पाइसी। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज ओजोन किचन की रसोई से आपकी रसोई तक के लिए क्या खास और क्या स्पेशल लेकर आई हूँ मैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मेरे राज्य जोधपुर शहर के ढाबा स्टाइल में दूध वाली सेव टमाटर की सब्जी। लेकिन इतनी यम्मी और मेरे स्टाइल से, एक बार इसे आप बना लेंगे ना तो इसके सामने जो है ना, इतनी साधारण सी सब्जी को अगर आपने इस रॉयल अंदाज से बना लिया ना, तो बढ़िया से बढ़िया जो सब्जी होगी ना, वो भी इसके सामने आपको फीकी नजर आएगी। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं और ये यम्मी सी रेसिपी बनाते हैं बिल्कुल मेरे स्टाइल में और जोधपुर शहर के ढाबा स्टाइल में। तो देखते हैं दोनों के संगम से ये सब्जी का जो टेस्ट है ना, कैसा बनता है और कितनी जल्दी से बन जाती है ये, लेकिन कितनी यम्मी। तो देखिए, ये है रतलामी सेव और मैं इसे इस्तेमाल करने वाली हूँ इस रेसिपी के लिए। आप बारीक सेव भी ले सकते हैं, आप इससे मोटी भी ले सकते हैं, लेकिन जो टेक्सचर इस रेसिपी का इस रतलामी सेव से आने वाला है ना, वो मज़ा बाकी बारीक सेव से इतना नहीं आता है, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है ना, वो इस सब्जी के लिए बिल्कुल वैसा ही है। वरना देखिए, बारीक सेव की सब्जी को आप इसमें बनाएंगे ना, तो वो थोड़ी देर के बाद में जो वो सब्जी का जो टेक्सचर है ना, सेव का जो टेक्सचर होता है ना, वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो जितना हो सके आप रतलामी सेव को इस्तेमाल कीजिए। और यहाँ लिया है उसके साथ ही मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर, जो कि मैंने काट दिया है, लेकिन ये कटा हुआ पहले से ही है, क्योंकि ये है मेरे फ्रोज़न टमाटर और ये है प्यूरी, यानी कि दो आइस क्यूब के शेप में मैंने टमाटर की जो प्यूरी है वो भी मैंने फ्रोज़न करके रखी थी, और वो वीडियो मैं आपके साथ में विंटर में ही जो है शेयर कर चुकी हूँ कि टमाटर को स्टोर कैसे करें। तो देखिए, ये है मेरे फ्रोज़न टमाटर और फ्रोज़न टमाटर की ही प्यूरी है। तो जल्दी से आप लोग भी उस वीडियो को फॉलो कीजिएगा, और जब बजट में बहुत ही सस्ते टमाटर अब फिर से शुरू हो गए हैं, तो जल्दी से स्टोर कर लीजिए अपने फ्रीज़र के अंदर, और उसका जो लिंक है वो मैं यहाँ पर आपको दे दूंगी। और यहाँ मैंने लिया है ये एक छोटा बाउल दूध है, ये घर में जो भी नॉर्मल दूध है वही दूध है, कोई स्पेशल दूध इसके लिए नहीं लेना है सब्जी के लिए। और जो सेव दिखाई थी मैंने आपको रतलामी, वो 150 ग्राम नमकीन थी। और यहाँ लिया है मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज, एक ग्रीन चिली, इन दोनों को मैंने चॉप कर लिया है, एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा, एक छोटी सी टुकड़ा जो है दालचीनी का है, और ये 1/4 बड़ी इलायची है। और उसके अलावा मैंने लिए हैं दो लौंग, 4-5 जो है काली मिर्च के दाने हैं, और 5-6 जो है लहसुन की कलियां हैं। इसके अलावा लिया है मैंने यहाँ पर एक रेड चिली, ड्राई रेड चिली ली है, और अदरक और जो लहसुन की कलियां हैं इसे हमें ग्रेट कर देना है या दरदरा पीसना है। एक ये ड्राई रेड चिली ली है हमने, और इसके अलावा जो हमने लिया है वो है थोड़ा सा फ्रेश ग्रीन कोरिएंडर और थोड़ा सा फ्रेश हरा प्याज। और हरा प्याज जो है ना इस सब्जी में अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही जो क्या कहते हैं, सोने पे सुहागा है। इसके अंदर हरे प्याज का टेस्ट बहुत ही अलग टेस्ट देगा, तो हो सके तो हरे प्याज को आप स्किप मत कीजिएगा। आप अगर प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो फिर आप इस सब्जी में हींग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो जल्दी से मैंने गैस का बर्नर ऑन कर दिया है और रख दी है एक कढ़ाई, और एक बड़ा चम्मच ऑयल डाल दिया है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 टेबल स्पून बटर, आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई, राजस्थान की सब्जी हो, बटर और घी का इस्तेमाल ना हो, ये कैसे पॉसिबल है। फटाफट से जो है तेल और बटर हमारा गर्म हो चुका है, मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून यहाँ पर जीरा, और जैसे ही जो जीरा तड़कने लगेगा तो हम डालेंगे यहाँ पर रेड चिली को। मैंने उसे इस तरह से टुकड़ों में काट लिया है, तो बस रेड चिली को आप इसी तरह हाथों से ब्रेक कर लीजिए, और इसके अंदर हमने इसे भी डाल दिया है। और अब हम इसे एक बार हिला देते हैं, और इसके बाद में हम डालेंगे जो हमने थोड़े थोड़े गर्म मसाले लिए ना, दो लौंग हैं वो डाल दिए मैंने, और उसके बाद में मैं डाल रही हूँ यहाँ पर काली मिर्च के जो दाने हैं वो भी हम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद में हमने जो छोटा सा एक दालचीनी का टुकड़ा लिया है वो भी मैंने यहाँ डाल दिया है, और ये जो 1/4 बड़ी वाली इलायची ली है ना वो भी मैंने यहाँ डाल दी है। तो इन सब चीज़ों को डालने के बाद में अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं ये अदरक, जिसे मैं यहाँ पर हाथों हाथ ग्रेट कर रही हूँ इस तरह से, कद्दूकस करने वाला आजकल ये सबके घरों में होता है, तो बस हाथों हाथ इसे ग्रेट कर लीजिए और डायरेक्ट जो है हमारे इस कढ़ाई में हमें डाल देना है। और जैसे ही इसे डाल देंगे उसके बाद में हम डालेंगे यहाँ पर जो हमारा कटा हुआ प्याज है, ये एक ही प्याज लिया है मैंने, मीडियम साइज़ का प्याज था, और आप जितनी क्वांटिटी में सब्जी बनाना चाहें ना उस हिसाब से इस क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि 150 ग्राम के आसपास नमकीन का वो बाउल है जो हमने
अंदर रतलामी सेव ली है, तो उसके हिसाब से मैंने एक, ना ये प्याज छोटा था ना ये प्याज बहुत बड़ा था, मीडियम साइज़ का प्याज था जिसे वॉश करके मैंने इसे चॉप कर लिया है। और अब इसे हमें करना है हल्का सा गोल्डन कलर, बहुत ज़्यादा रेड कलर प्याज का नहीं करना है और बहुत ज़्यादा वाइट भी नहीं रखना है। तो हम इसे देंगे हल्का सा गोल्डन कलर कि प्याज का जो कच्चापन है वो निकल जाए और एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए जो हमने इसमें सारे गरम मसाले डाले। तो चलिए, जब तक मैं इसे थोड़ा सा गोल्डन कलर दे रही हूँ ना, तब तक आप ये चेक कर लीजिए कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में ही बेल आइकॉन है उसे ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि ऐसी ही यमी हॉट टेस्टी स्पाइसी रेसिपीज सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सोनोज ओजोन के टिप ट्रिक एंड ट्यूटोरियल में, जहां मिलेगी आपको छोटी छोटी टिप किचन से संबंधित, ब्यूटी से संबंधित और भी बहुत सारी छोटी छोटी टिप जो कि घर के बहुत सारी चीज़ों में आपको काम आएगी या फिर कुछ नया सीखने को या आपसे यूं ही बातें करने के लिए। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि यहाँ मिलती रहे आपको रेसिपीज और वहाँ मिलते रहे आपको टिप ट्रिक एंड ट्यूटोरियल। तो जल्दी से दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए रेसिपी की तरफ लौटते हैं और देखिए हल्का हल्का प्याज का कलर जो है ना वो चेंज होने लगा है और जो हमने थोड़े से गर्म मसाले इसमें डाले थे उसकी भी खुशबू मुझे बहुत तेज वाली आने लगी है। तो देखिए जैसे जैसे इसका प्याज का हल्का हल्का कलर जो है गोल्डन होने लग जाए ना, उसके बाद में क्या करना है हमें, उसके बाद में हम डालने वाले हैं इसमें थोड़ी सी जो हमने लहसुन ली है ना, 5-6 कलियां, बस यही लहसुन इतनी ही लेनी है। और यहाँ पर अगर आपको लहसुन नहीं खाना है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो गैस की आँच को मैंने थोड़ा सा सिमर कर दिया है ताकि मैं इसमें आराम से डाल सकूँ क्योंकि स्टीम निकल रही है इसके अंदर से। तो बस मैंने हाथों हाथ जिससे मैंने अदरक ग्रेट किया था उसी से मैंने जो हाथों हाथ फटाफट कढ़ाई में लहसुन की कलियों को भी इस तरह से हमें ग्रेट करके डाल देना है। अगर आप चाहें तो पहले से ही अदरक और लहसुन को ग्रेट करके या किचन के जो स्लैब होता है ना उस पर बेलन की मदद से आप उसको हल्का हल्का दरदरा पीस लें। मैंने यहाँ पर पेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। देखिए राजस्थानी की सब्जियों के अंदर और राजस्थान के ढाबा स्टाइल सब्जियों के अंदर जो है ना मिक्सी का इस्तेमाल थोड़ा कम होता है और इस तरह से हमाम दस्ते का या दरदरा या कहीं कहीं किसी किसी रेसिपी में तो पूरी पूरी लहसुन भी की जो कलियां होती है वो डाली जाती है। तो बस ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो प्याज का कलर है ना अब हल्का हल्का गोल्डन हो चुका है। तो अब हम डालेंगे यहाँ पर सूखे मसाले। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया है 1/2 टीस्पून हल्दी, उसके बाद में मैं 2 टीस्पून धनिया पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ और उसके साथ ही रेड चिली पाउडर आप अपने हिसाब से स्पाइसी रख सकते हैं जितना चाहिए। मैंने लिया है यहाँ पे 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर। मत भूलिएगा कि हमने वहाँ पर रतलामी सेव का भी इस्तेमाल किया है जिसके अंदर ऑलरेडी लौंग होती है तो थोड़ी सी वो स्पाइसी भी होती है, तो आप उस हिसाब से यहाँ पर जो रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल करें। अब डाल देंगे हम यहाँ पर ग्रीन चिली जो हमने काट के रखी थी वो भी डाल देते हैं और एक बार इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब सारे सूखे मसाले अच्छे से पक जाएं लेकिन जले नहीं, तो इसके लिए मैं यहाँ पर अब फटाफट डाल दूंगी हमारे कटे हुए टमाटर। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और जो हमने जो टमाटर प्यूरी के 2 हमारे आइस क्यूब लिए हैं ना वो भी मैं यहाँ पर डाल दूंगी। और गैस की आंच को आप धीमे सिमर रख सकते हैं या मीडियम रख सकते हैं, आपके अपने जो गैस का फ्लेम है ना उसके हिसाब से। बस इतना ध्यान रखना है कि हमारे सूखे मसाले या प्याज जलने नहीं चाहिए। तो ये टमाटर की प्यूरी वाले जो आइस क्यूब और टमाटर के पीस डालने के बाद भी मुझे इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक इसको पकाना है, सूखे मसालों को पकाना है। तो अभी आपने देख लिया होगा कि मैंने 2 यहाँ पर जो सब्जी बनाने वाले चम्मच हैं उतना मैंने पानी डाल दिया है ताकि सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए और एक ये बढ़िया सी ग्रेवी जो है ना रेडी हो जाए। तो चलिए इसे 2 से 3 मिनट के लिए, वैसे तो इसमें देखिए बॉयल हो गया है और मैं 2 से 3 मिनट तक के लिए इसको ढक्कन लगा दूंगी, बस इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे और प्यूरी भी जो है उसके जो आइस क्यूब है वो भी जो मेल्ट हो जाएगी और अच्छी सी एक ग्रेवी की स्टाइल में हमारी ग्रेवी रेडी हो जाएगी। तो चलिए 2-3 मिनट बाद में मैं ढक्कन हटा के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी यमी लग रही है और इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये कितनी यमी और कितनी थिक हो चुकी है। तो इस स्टेज पे क्या करना है, तो इस स्टेज पर हम मिलाएंगे हर रेसिपी की जान को। क्या होती है हर रेसिपी की जान, वही नमक। जी हाँ, नमक के बगैर तो हर रेसिपी अधूरी है, बेजान है। तो चलिए नमक डालते वक्त इस रेसिपी में आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी जो रतलामी सेव है वो ऑलरेडी नमकीन है, उसमें ऑलरेडी नमक है, तो आप जो है आराम से इसमें उतना ही नमक डालिएगा यानी कि कम डालिएगा। और अगर आपको लगे ज़रूरत है तो बाद में उसको चख लीजिएगा और उसके हिसाब से आप नमक का इस्तेमाल कीजिए। और अब मैंने यहाँ डाल दिया है हमारा
हरा प्याज और हरा कटा धनिया, और थोड़ा सा मैंने बचा के रखा है गार्निशिंग के लिए, बाकी सारा मैंने यहाँ पर इसके अंदर डाल दिया। जितना हो सके हरे प्याज को स्किप मत कीजिएगा इस रेसिपी में, उसका एक अलग ही मज़ा है हरे प्याज का, मैं ये आपको बार बार बोल रही हूँ। तो पॉसिबल हो तो आप हरे प्याज का इस्तेमाल करना ना भूलिएगा। तो चलिए, अब गैस की आंच को मैंने कर दिया है धीमा, क्योंकि अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर दूध। जी हाँ, ये दूध की क्वांटिटी आप कहेंगे कि आपने बताई नहीं, मैं बता देती हूँ आपको, दूध है ये 200 मिलीलीटर। ठीक है, तो 200 मिलीलीटर दूध मैंने यहाँ ले लिया है। और वैसे जब आप इसके अंदर नमकीन डालने होंगे उस स्टेज पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको दूध थोड़ा सा कम लगता है तो और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आपको नमकीन उस समय ज़्यादा लगती है, बॉईल होने देंगे पहले इसे, उसके बाद में देखेंगे, तो आप नमकीन को भी थोड़ा सा बचा सकते हैं। पर मैंने जिस हिसाब से क्वांटिटी आपको बताई है वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो एक बार आप इसी क्वांटिटी के हिसाब से बना के ज़रूर देखिएगा। और अब मैंने दूध डालने के बाद में इसको ढक्कन लगा दिया है, और इसमें आने देंगे हम एक उबाल सिर्फ 2 मिनट के लिए। तो देखिए, 2 मिनट के लिए मैंने इसको ढक्कन लगा के इसी तरह रखना है, ताकि जो दूध का भी एक कच्चापन होता है ना, दूध की जो एक खुशबू होती है ना, वो थोड़ी सी मिट जाए, और हमारे गरम मसाले, प्याज, ग्रीन ऑनियन, इन सब की खुशबू जो है उस मिल्क यानी कि दूध के अंदर समा जाए। तो देखिए, 2 से 3 मिनट बाद में मैंने ढक्कन हटाया है, और ये इसकी जो ऊपर से तरी, इसका जो अरोमा निकल आया ना, वो कितना बढ़िया है। तो बस अब डाल देंगे हम यहाँ पर हमारी रतलामी सेव। गैस की आँच आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल धीमी है, और मेरी यहाँ पर पूरी रतलामी सेव डल गई है, यानी कि जो दूध की क्वांटिटी और रतलामी सेव की क्वांटिटी बिल्कुल मेरे बिल्कुल परफेक्ट बराबर है। तो एक बार इसी क्वांटिटी से आप बनाएंगे। गैस की आँच को मैंने अब बंद कर दिया है बस हिलाने के बाद में। यहाँ मैंने आपको बता दूँ कि ये ढक्कन अब इसके ऊपर नहीं लगेगा। तो इस सब्जी को जब भी आपको खाना हो फ्रेश बनाइए, और बस उसी समय इसको सर्व कीजिए, तो इसका जो टेस्ट है ना बहुत बढ़िया रहता है। तो बस थोड़े सा जो हमने गार्निशिंग के लिए हरा प्याज और हरा धनिया बचा के रखा था, उससे हमें गार्निशिंग कर लेना है, और ये बन गई हमारी बिल्कुल दूध वाली सेव टमाटर की सब्जी, जोधपुरी अंदाज में, राजस्थानी अंदाज में। बस सर्व कीजिए, और गर्मा गर्म देशी घी लगी हुई रोटियां बना लीजिए, और एक बार चख के देखिए। और अगर आपको इस तरह से काली मिर्ची नहीं पसंद हो तो मेरी तरह निकाल भी सकते हैं, पर हर चीज़ का इसके अंदर जो फ्लेवर आ चुका है ना, उसे आप नहीं निकाल सकते। तो आप चाहें तो काली मिर्ची, दालचीनी, अगर आपको जैसी दिखे तो आप उसे बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन उसका फ्लेवर इस सब्जी के अंदर आ चुका है। ये देखिए कितनी यमी लग रही है ना, यमी क्या कहते हैं, वही ना, कि अगर रेसिपी दिखने में सुंदर हो ना तो भूख लग भी जाती है और भूख बढ़ भी जाती है। तो जल्दी से ये रेसिपी बनाइए, और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि ये साधारण सी रेसिपी लेकिन रॉयल अंदाज में, मेरे अंदाज में, जोधपुरी अंदाज में, राजस्थानी अंदाज में आपको कैसी लगी। मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतज़ार। मैं जल्दी से हाजिर होती हूँ फिर से एक नई रेसिपी लेकर, फिर से एक नया टेस्ट, हॉट, टेस्टी, स्पाइसी स्वाद लेकर। तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन फिर से एक बार याद दिला दूँ कि इस चैनल के साथ साथ मेरे दूसरे चैनल सोनूज ओजोन के टिप, ट्रिक एंड ट्यूटोरियल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वहाँ मिलेगी आपको छोटी छोटी टिप, नई नई ट्रिक और कुछ नया सीखने। तो चलिए जल्दी से फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए। मैं मिलती हूँ आपके शहर की कोई नई रेसिपी लेकर, या मेरे शहर की कोई नई हॉट टेस्टी स्वाद वाली रेसिपी लेकर, या फिर किसी और डिस्ट्रिक्ट और किसी और स्टेट की लेकर।